हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हॉकी हरियाणा की तरफ से जींद जिला में चल रही सब जूनियर हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों के लिए खाने पीने ठहरने सोने सहित खेल मैदान और स्वास्थ्य सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। इतना ही नहीं, हॉकी हरियाणा के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए विभाग के साथ कोई भी संपर्क नहीं किया गया। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए बरती गई गंभीर अनियमितताओं को लेकर आईओए को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही हॉकी हरियाणा की मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को लघु सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हॉकी हरियाणा की तरफ से जींद जिला में 17 से 25 मार्च तक सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से सैकड़ों खिलाड़ी पहुंचे हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान हॉकी हरियाणा की तरफ से खिलाड़ियों के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को स्कूल के कमरों में ठहराया गया और सोने की व्यवस्था की गई, तथा जहां खिलाड़ी ठहरे हुए थे वहां सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है। खिलाड़ी खुद पहुंचे और झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं। इसके साथ ही खिलाड़ी आसपास के नलों पर जाकर कपड़े धो रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया और खिलाड़ियों से मिली शिकायतों के अनुसार यह भी तथ्य सामने आए हैं कि खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट भी नहीं किया गया और ना ही किसी के पास कोविड-19 की कोई टेस्ट रिपोर्ट है, तथा कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इस प्रतियोगिता में आयोजकों द्वारा मेडिकल सुविधाएं भी शून्य हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए आयोजकों द्वारा किए गए प्रबंधों की खेल मंत्री ने निंदा की और कहा कि आईओए को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और हॉकी हरियाणा की मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। नेशनल करवा रहे हैं हॉकी हरियाणा, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। स्कूल के कमरों में उनको ठहराया गया है, उनके बेंच उन लोगों ने खुद उठाए हैं जहाँ पर उनको रुकाने के लिए बोला गया था। उसकी सफाई मोपिंग, मतलब जो पोचा बोलते हैं हिंदी में, वो कर रहे हैं बच्चे। कपड़े खुद धो रहे हैं बाहर एक छोटा सा पानी का स्टोरेज करके, और खाना वो ढाबे पर खा रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोविड बढ़ रहा है, कोई मेडिकली उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। आउट ऑफ स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कोई टेस्ट नहीं हो रही है, रैपिड टेस्ट नहीं हो रहे हैं। मतलब सुविधा जो है बिल्कुल शून्य है, मैं मतलब बिल्कुल शून्य सुविधा कहूँगा इनके, और बहुत ही निंदा करता हूँ हॉकी हरियाणा की, जिन्होंने ऐसा टाइम पर टूर्नामेंट करवाया। अगर टूर्नामेंट करवाना था तो ऑर्गेनाइज रखते, और हमारे विभाग के साथ कोई भी इनका कोई संपर्क नहीं था, और मैं पूरी निंदा करता हूं। और खिलाड़ियों की लगातार मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसके ऊपर संज्ञान दे, और जितने भी लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं कि हरियाणा स्पोर्ट्स जो है ऊपर आती है, लेकिन ऐसे लोगों के कारण स्पोर्ट्स नीचे जाएगी, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको रद्द किया जाए हरियाणा हॉकी को, जिससे कि सही दिशा में स्पोर्ट्स जाए और सही लोगों को आगे लेकर आए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को बाहर किया जाए।